Hello दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा में अब तक कौन कौन विपक्ष के नेता रहे हैं वर्तमान में कौन अपोजिशन लीडर है और आपको बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसे ही राज्य के ओपोजिशन लीडर का भी होता है इसके अलावा हम जानेंगे की ओपोजिशन लीडर के क्या क्राइटेरिया और उनके क्या वर्क होते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं मेरे वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं सो so, बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राज्य में विपक्ष के नेता निर्वाचित सदस्य होते हैं जो भारत की संसद के ऊपरी सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं आपको मैं बता दूं, ओपोजिशन लीडर राज्यसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होते हैं दोस्तों नाइनटीन तक राज्यसभा में कोई औपचारिक मान्यता या विशेष अधिकार के बिना विपक्ष के नेता थे बाद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता दी गई और उनके वेतन और भत्ते को अधिनियम 1977 द्वारा बढ़ा दिया गया दोस्तों सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है और इस संवैधानिक पद का कार्य सरकार के कामकाज पर नजर रखना और जनता की आवाज बनकर गवर्नमेंट ऐसी सवाल करना होता है आपको बता दें की राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को इन शर्तों को पूरा करना होता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ वह सदन का सदस्य होना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत दोस्तों इस पद पर नियुक्ति के लिए प्रमुख विपक्ष दल के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और लास्ट की राज्य सबा के सभापति द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए दोस्तों अगर आप अब तक के लोकसभा अपोजिशन लीडर के कार्यकाल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बाद श्याम नंदन मिश्रा राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता बने इनका जन्म 20 अक्टूबर 1920 को पटना में हुआ था और इनका कार्यकाल 18 दिसंबर उन्नीस से 11 मार्च उन्नीस तक रहा दूसरे विपक्ष के नेता एम एस गुरपत स्वामी थे इनका जन्म 7 अगस्त 1924 को वर्तमान के कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इनका पहला कार्यकाल 24 मार्च उन्नीस से दो अप्रैल उन्नीस तक रहा सेवेंटी टू से सेवेंटी सेवन तक कोई भी राज्यसभा के विपक्ष में नेता नहीं थे उसके बाद कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे इनका जन्म तीन सितंबर उन्नीस को बनारस में हुआ और इनका पहला कार्यकाल 30 मार्च 1977 से 15 फरवरी 1978 तक रहा चौथे विपक्ष के नेता भोला पासवान शास्त्री थे इनका जन्म 21 सितंबर 1914 को वर्तमान के पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव में हुआ था इनका कार्यकाल चौबीस फरवरी उन्नीस से तेईस मार्च उन्नीस तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यहाँ आपको बता दें कि ये बिहार के आठवें मुख्यमंत्री और देश के पहले दलित मुख्यमंत्री थे दूसरी बार कमलापति त्रिपाठी 23 मार्च 1978 से 2 अप्रैल 1978 तक और फिर 18 अप्रैल 1978 से 8 जनवरी 1980 तक विपक्ष के नेता रहे थे पांचवें अपोजिशन लीडर लाल कृष्ण आडवाणी थे इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कराची में हुआ था इनका कार्यकाल 21 जनवरी 1980 से 7 अप्रैल 1980 तक रहा और इनकी पार्टी जनता पार्टी थी छठवें राज्यसभा के विपक्ष के नेता पूंजाला शिव शंकर थे इनका कार्यकाल 18 दिसंबर उन्नीस से 2 जनवरी उन्नीस तक रहा दोस्तों दूसरी बार एम एस गुरुपत स्वामी अट्ठाईस जून उन्नीस से इक्कीस जुलाई उन्नीस तक विपक्ष के नेता रहे थे और इस बार इनकी पार्टी जनता दल थी जयपाल रेड्डी दोस्तों राज्यसभा में सातवें विपक्ष के नेता रहे इनका जन्म 16 जनवरी 1942 को वर्तमान के तेलंगाना स्टेट के नालगोंडा सिटी में हुआ था इनका कार्यकाल 22 जुलाई 1991 से 29 जून 1992 तक रहा और पार्टी जनता दल थी सिकंदर भगत दोस्तों राज्यसभा के आठवें विपक्ष के नेता थे इनका जन्म 24 अगस्त 1918 को दिल्ली में हुआ था और इनका पहला कार्यकाल 7 जुलाई उन्नीस से 16 मई उन्नीस तक रहा इनके कार्यकाल के बाद शंकर राव भावराज चौहान नौवे विपक्ष के नेता थे इनका जन्म 14 जुलाई 1920 में हुआ था और इनका कार्यकाल 23 मई उन्नीस से 1 जून उन्नीस तक ही था और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इनके शॉर्ट टेन्योर के बाद सिकंदर भगत दूसरी बार एक जून उन्नीस सौ छियानवे तक विपक्ष के नेता रहे थे दसवें विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह थे इनका जन्म छब्बीस सितम्बर उन्नीस को वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हुआ था और इनका कार्यकाल 21 मार्च उन्नीस से 22 मई 2004 तक रहा जसवंत सिंह दोस्तों ग्यारहवें विपक्ष के नेता थे इनका जन्म 3 जनवरी 1938 को प्रेजेंट डे के राजस्थान स्टेट के जसोल विलेज में हुआ था इनका कार्यकाल 3 जून 2004 से 16 मई 2009 तक रहा था अरुण जेटली बारहवें विपक्ष के नेता थे इनका जन्म 28 दिसंबर उन्नीस को दिल्ली में हुआ था और इनका कार्यकाल तीन जून दो से छब्बीस मई दो हजार चौदह तक था गुलाब नबी आजाद तेरहवें राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे इनका जन्म 7 मार्च उन्नीस को जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इनका कार्यकाल 8 जून 2014 से 10 फरवरी 2015 तक और फिर 16 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2021 तक रहा था और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इनके कार्यकाल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। इनका जन्म 21 जुलाई 1942 को वर्तमान में कर्नाटक स्टेट के बिदार डिस्ट्रिक्ट के वारवती में हुआ था और इनका कार्यकाल शुरू हुआ 16 फरवरी 2021 से दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल अनफोर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो